गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक एसएसटी। एसएसटी में बच्चों आज हम सेकंड लेसन करेंगे जो हमारा है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय अ लॉन्ग चेन ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स। दिस माउंटेन्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड दिस लॉन्ग एंड लॉफ्टी माउंटेन चेन इज कॉल्ड द हिमालय माउंटेन रेंज। देखिए, जो इंडिया भारत को जो हमारे भारत को जो अलग करती है, कह सकते हो आप रेस्ट ऑफ एशिया बाय अ लॉन्ग चेन, जो आप कह सकते हो एक जो बड़ी लंबी चेन है, वेरी हाई माउंटेन। दिस माउंटेन लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड ये जो है दिस लॉन्ग एंड लॉफ्टी माउंटेन, इसी को आप कह सकते हो, ये जो हिमालय माउंटेन रेंज कहलाती है। दिस इज़ द हाईएस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन चेन है, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। ये जो है कह सकते हो, इट इज़ द हाईएस्ट चेन कह सकते हो ये वर्ल्ड की, और ये फैली हुई है जम्मू और कश्मीर से लेके वेस्ट तक, और वेस्ट से और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट तक। इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई है 150 है एंड 400 किलोमीटर। द लेंथ द रेंज ऑफ इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर है इसका एंड थ्री पैरेलल रेंजेस हैं इसके। कितने? थ्री। अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड द माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या कहलाएगी? आपकी जो लंबी एक लॉन्ग और लगातार लंबी जो है कह सकते हैं आप चेन, वो माउंटेन रेंज कहलाएगी। द हिमालय माउंटेन रेंज हैज़ थ्री पैरेलल माउंटेन रेंजेस। देयर आर द ग्रेटर हिमालय, द मिडल हिमालय, द लेजर हिमालय। द ग्रेटर हिमालय क्या कहलाएंगी? द ग्रेटर हिमालय वो होंगी जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है पूरे साल, हिमाद्री इज कॉल्ड द हिमाद्री रेंजेस। दे लाई टू द एक्सट्रीम नॉर्थ। दे आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल थ्री रेंजेस। बीइंग वेरी हाई दे रिमेन कवर्ड विद स्नो ऑल द ईयर राउंड एंड दे हैव मैनी स्नो कवर्ड पीक्स एंड माउंट एवरेस्ट। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड हेयर एंड दिस द पीक लाइज इन द नेपाल। ये सबसे हाईएस्ट पीक है वो नेपाल में पड़ती है आपकी। ठीक है, ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, मैं शॉर्ट में पढ़ा देती हूँ आपको। इस जो हाईएस्ट इसकी पीक है वो 8848 मीटर्स हाई है। सबसे पहले इस पे जाने वाले जो थे सर एडमंड हिलेरी, और जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिन नॉर्वे जो नेपाल के थे, इन्होंने करीब 1953 में इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई की, और गंगा और यमुना इंदस सतलुज ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। मिडल हिमालय वो होते हैं जो आप कह सकते हैं जो ना बहुत बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। ये हिमालय, ये जो आप कह सकते हैं लाइक कॉल्ड हिमाचल रेंजेस। हिमालय हिमाचल जैसे शिमला वगैरह हैं, ये आपके आते हैं मिडल हिमालयाज में। ठीक है, नैनीताल, दार्जिलिंग, मसूरी ये सब। एंड लेजर हिमालय वो होंगे जो शिवालिक रेंजेस कहलाते हैं, और ये लोग बसे हुए हैं साउथ इन द साउथ ऑफ द मिडल हिमालयस। दे आर कॉल्ड द लोएस्ट ऑफ थ्री माउंटेन रेंजेस। करीब इसके तीन माउंटेन रेंजेस हैं एंड इसी को शिवालिक मर्ज विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस टू फ्रॉम द तराई रीजन कहलाएंगे। उसका इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड द पूर्वांचल रेंजेस कह सकते हो आप इसको। एंड इसमें जो आती हैं आपकी ये कवर हैं डेंस घने जंगलों से, और द गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मीजो, लुसाई ये सारी पहाड़ियाँ इसमें आती है पूर्वांचल रेंजेस में। कराकोरम रेंज, द कराकोरम माउंटेन रेंज लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस बियॉन्ड द रिवर इंडस एंड द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट गोडविन अस्टेन K2 इज द फाउंड हेयर एंड लाइफ इन द रीजन। इनकी लाइफ है जो रीजन की, द इंडियन स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस लाइज इन दिस
रीज़न लेट अस नो अबाउट दिस स्टेटस और रीज़न। जम्मू एंड कश्मीर आपका जो है श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर इन समर में कहलाएगा एंड जम्मू एंड विंटर। द कश्मीर वैली इज़ नो एड फ्रॉम इंडिया द वर्ल्ड ओवर विजिट द ब्यूटिफुल माउंटेन स्टेट कहलाता है एंड इसको हम कश्मीर का सुंदर कह सकते हो आप, पैराडाइज भी कहते हो ऑन द अर्थ, यानी कि धरती में स्वर्ग जो है वो कश्मीरी है। शालीमार एंड द गुलमर्ग गार्डन्स, दल लेक एंड पहलगांव, अमरनाथ श्राइन, ये सारे वैष्णो देवी श्राइन गुफा जो है ये सब आपके जम्मू कश्मीर के अंदर में आते हैं। और ये इसमें भाषा डोगरी उर्दू कश्मीरी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। यहाँ के त्यौहार जो है ईद शिवरात्रि ये सब सेलिब्रेट किए जाते हैं। फ्रूट्स में एप्पल ड्राई फ्रूट्स ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। शॉल कारपेट फर्नीचर ये सारे चीज़ें यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लेह द मेजर एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट है यहाँ पे लेह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे, अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।